हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ ट्रेड लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं दो चार ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट जो रहेगा वो 500 का, 500 तक जाने का रहेगा। तो जैसे ही मेरे को 500 का प्रॉफिट हो जाता है, मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, बायर्स का मोमेंटम है और टारगेट भी आई थिंक अभी ऊपर ही है, क्योंकि बायर्स की लास्ट कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मैं यहाँ से एक आपकी ट्रेड के लिए जा सकता हूँ, बस मेरे को एक एंट्री, गुड एंट्री पॉइंट चाहिए। तो मैं अगर इस कैंडल की लास्ट विक तक आती है तो यहाँ से मैं एक अप की ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए चला गया हूँ। वैसे यहाँ से ये काफ़ी रिस्की ट्रेड रहने वाला है, बट मैं मोमेंटम के साथ ही जा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, अभी तक तो ठीक है, अपने प्रॉफिट में ही, अपने ही फेवर में जा रहा है। ओके ठीक है, उसी कैंडल के लोअर विक से ही रिजेक्शन आ रही है। मैं थोड़ा, मेरी एंट्री थोड़ा ऊपर है, बट ओके ठीक है, उसका ब्रेकआउट हो गया है, बट 400 के राउंड नंबर का फेक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड ओपन कर दूँगा, तो मेरा यहाँ पे टारगेट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो ट्रेड ओपन करी है, और अगर अभी नीचे आती है कैंडल तो मैं यहाँ पे दो ट्रेड और ओपन कर दूँगा। तो इसी के साथ मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली ट्रेड काफ़ी ऊपर लगी हुई है, तो मैं भी लॉस हो सकती है, बट यहाँ पे जो 400 का राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ है वो एक फेक ब्रेकआउट है, तो कैंडल तो ग्रीन ही बनेगी। देखते हैं कितनी बड़ी बनती है, ये देखने वाली बात रहेगी। ओके ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल तो रेड बन गई है, बट वीक रेड कैंडल बनी है, और ऊपर से 400 को रिट्रेस करके ये रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, कोई बात नहीं। अपनी, मेरी तीन ट्रेड लॉस हो चुकी है और दो ट्रेड विन हुई है, तो मैं एक ट्रेड के लॉस में हूँ। तो यहाँ से अभी मेरे को लॉस रिकवर करना भी एक टारगेट रहेगा मेरा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबी हो सकती है, देखते हैं। जैसे मेरे को अगली ट्रेड मिलती है तो मैं ट्रेड लगा दूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने तीन चार ट्रेड ओपन कर ली है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक कंटिन्यूएशन कैंडल मिली है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं पुट डायरेक्शन के लिए गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लास्ट कैंडल है उससे पहले वाली जो स्पिनिंग कैंडल बनी है, उसने 400 के राउंड नंबर को रिट्रेस कर दिया है, और जो ये लास्ट कैंडल बनी है उसने एक कंटिन्यूएशन का साइन दिया है डाउनवर्ड के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने चार ट्रेड ओपन कर ली है, तो देखते हैं। ओके, अभी तो इसको 300 के राउंड नंबर पे थोड़ा दिक्कत हो रही है, देखते हैं कि उसका ब्रेकआउट कर पाते हैं सेलर्स की नहीं। ठीक है, ऊपर से तो सेलर्स रिकवरी कर रहे हैं बार बार, बट नीचे से बायर्स भी अपनी फुल रिकवरी दिखा रहे हैं। देखते हैं, फाइट तो चल रही है इस कैंडल पे। ओके ठीक है, कैंडल तो रेड बनी है बट वीक कैंडल बनी है, और प्रीवियस कैंडल के लोअर विक के अंदर ही क्लोज हुई है, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, और हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी चार ट्रेड अभी लगाए थे और तीन ट्रेड पहले लगाए थे, उनमें से तीन ट्रेड लॉस हुए हैं, बाकी मेरे ट्रेड विन हो चुके हैं। तो मेरा टारगेट यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। तो भाई लोगों, आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।